हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आवर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। मैं विजय आप सभी का रीजनिंग की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आज एक वीडियो डाला था SSR और AA के बारे में और बोला था कि मैथ और फिजिक्स की क्लास, मैथ और साइंस की क्लास हम जल्दी ही शुरू करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर मैं आपको फिक्स टाइम दे दूंगा कि किस टाइम क्लासेज आएंगी, वो कल से दे देंगे हम। अब ध्यान से समझना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो हमारी एक सीरीज चल रही है, रीजनिंग की क्लास बंद नहीं होगी। सभी से मैं ये कहना चाहूंगा रीजनिंग की क्लास चलती रहेगी। कोडिंग एंड डिकोडिंग समझिए होता क्या है। जैसे हम एक भाषा को पढ़ते हैं, मैं आप सभी के सामने हिंदी बोल रहा हूँ, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको समझ आएगा। अगर मैं आपको इंग्लिश बताने लग जाऊं कि दैट आई एम ए वेरी गुड टीचर या आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, कि मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, आप ये समझ पा रहे हैं तो आप उस कोड को डिकोड कर रहे हैं। कोड को डिकोड करना यानी कि एक भाषा के दिए गए कुछ विशेष कोड को दूसरी भाषा के विशेष कोड के अंदर समझना ही कोडिंग से डिकोडिंग कहलाता है। समझ आया बच्चों? अब कोडिंग डिकोडिंग की टाइप की बात डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप होती है कितनी, चार टाइप होती है। कितनी होती है दोस्तों? चार टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है। सबसे पहले हमें टाइप जो पढ़ना है वो लेटर कोडिंग है। कौन सा कोडिंग है? लेटर कोडिंग। फिर जो बात आएगी उसके बाद जो कोडिंग आएगी वो होगी नंबर कोडिंग, नंबर या सिंबल, नंबर या सिंबल कोडिंग। उसके बाद जो थर्ड नंबर आता है वो वर्ड कोडिंग का आता है। कितने कोडिंग का आता है? वर्ड कोडिंग का। अब जो फोर्थ जो नंबर आता है वो आता है कंडीशन कोडिंग का। कौन सी कोडिंग दोस्तों? कंडीशन कोडिंग। समझ आ रहा है बच्चों? भाई अपने सभी मित्रों, बंधुओं, सखाओं सभी के साथ वीडियो को शेयर करें प्लीज। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है दोस्तों। वीडियो को बनाने में, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। आप सभी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज शेयर करें, कम से कम पांच पांच बंदों के पास शेयर करें प्लीज। अगर चार टाइप की मैं डिस्कस करूं, लेटर कोडिंग नाम से पता चल रहा है, नंबर कोडिंग नंबर या सिंबल कोडिंग, वर्ड शब्द की कंडीशन जो बचा हुआ हिस्सा। सबसे पहले हम आप हेडिंग लगाइए नंबर, लेटर कोडिंग हम पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ लेटर्स की कोडिंग पढ़ी जाएगी, जिसमें सिर्फ लेटर्स के साथ छेड़छाड़ होगी और किसी के साथ नहीं होगी। हम लेटर कोडिंग पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग ही पढ़ेंगे, सिर्फ लेटर कोडिंग ही पढ़ेंगे। अब जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करता हूं, नियोमैन। अब इसको नियोमैन को यदि नियोमैन को यदि ओ जी आर क्यू एफ टी लिख दिया जाए, ये लिख दिया जाए, तो हमें यह बताना है कि जेड के सी एल यू पी ये किसका कूट शब्द है, किसका कूट है। हमें इस शब्द को ये लिख दिया तो इसको किसको ये लिखा जाएगा। अब समझने की बात ये है, इनके कोड लिखिए 5। ये कितना है दोस्तों? 15 है, ये 13 है, ये 1 है, ये 14 है। 15, 7, 18, फिर 17, 6, 20। देखिए 14 के बाद 15 आ रहा है, पहले से पहला। अब समझने की बात है कि कैसे करेंगे हम ये। पहले से आप पहला मैच करेंगे, फिर आप अगर मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले से आप अंतिम, इससे आप ये मैच करेंगे। मेरी समझने की बात को ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना कि पहले से या तो पहला चलेगा या अंतिम से पहला, ऐसे ऐसे करके चलते जाएंगे। या क्या होगा दोस्तों, क्रॉसिंग वाला एक होता है अपोजिट वर्ड, मैंने लिखवाए थे अल्फाबेट वाले में अपोजिट वर्ड्स। भाई एक बात ध्यान से, टेलीग्राम का हमने एक लिंक चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको वहां ये सारे क्वेश्चन के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। हम या इसको क्या करेगा, अपोजिट वर्ड्स के साथ करेगा, तीन टाइप हो गए लेटर कोडिंग के, या फिर करेगा क्रॉसिंग वाला। क्रॉसिंग का कैसे होगा, सबसे पहले हम इसको करेंगे, एक एक करके टाइप आगे चलती जाएंगी, मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अब देखिए ये 14 है, ये 15 है दोस्तों, तो कितना प्लस कर दिया, एक प्लस कर दिया। ये 5 है, ये 2 प्लस कर दिया, 15 में 3 प्लस कर दिया, 13 में 4 प्लस कर दिया, ऐसे ही फिर 5 और 6 ऐसे ही प्लस कर करके लिख रखा है।
यानी कि मैं यहां से कहूं कि माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, क्योंकि हमें यहां से यहां जाना है। अब आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे आए हैं तो आपको प्लस करके आए हैं, तो बेटा आप उधर जाओगे लेफ्ट में, राइट से आप आए हैं तब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, माइनस करोगे, तो आप पांच और फिर छह, तो जेड छब्बीस ग्यारह तीन और ये कितना है बारह इक्कीस और सोलह। छब्बीस में से एक जाता है पच्चीस, ग्यारह में से दो नौ, तीन में से तीन गई जीरो, नहीं लिखना। छब्बीस में उनतीस पे आता है, उनतीस में से तीन गई छब्बीस लिखना है, जीरो कोई कोड नहीं होता किसी भी अक्षर का, और प्रत्येक अल्फाबेट अपने आप को छब्बीस अक्षरों के बाद रिपीट करता है। बारह में से चार गया आठ, इक्कीस में छह गए पंद्रह, सॉरी पांच गए सोलह, सोलह में छह गए दस, या तो ऑप्शन से मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर हम करना चाहें तो वाई आई जेड एच पी, ये दस है ना, तो जी वाई आई जेड एच पी जे। अब दोस्तों समझ आया होगा मेथड, प्लीज शेयर करें यार, प्लीज शेयरिंग नहीं हो रही यार वीडियो की, शेयरिंग करें ज्यादा से ज्यादा, कोई व्यूज नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, बहुत मेहनत की जा रही है, थोड़ी बहुत नहीं। अब देखिए हमारा सामने, आप सबके सामने क्वेश्चन है कि डायमंड को ई जे बी एन पी ओ ई लिखा जाता है, डायमंड को ई जे बी एन पी ओ ई लिखा जाता है, तो हमें यह बताना है कि रूटीन जो होता है ना, रूटीन रूटीन को क्या लिखा जाएगा, रूटीन को क्या लिखा जाएगा, आप सबको यह बताना है बच्चों। हमें आराम से प्यार से डील करना है क्वेश्चन के साथ, जो लॉजिक इस क्वेश्चन में इस लेटर्स में लगा है वही लॉजिक यहां इस लेटर में आपको चार ऑप्शन में दिए हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनके कोड लिखेंगे, चार नौ एक तेरह पंद्रह, फिर ये क्या है चौदह, फिर है चार पांच दस दो चौदह सोलह पंद्रह पांच, ऐसे हम क्या लिखेंगे कोड लिखेंगे, और ये आपका अठारह पंद्रह इक्कीस बीस नौ चौदह पांच। देखिए दोस्तों ये कितना है, एक प्लस नौ में एक जोड़ दिया दस, एक में एक जोड़ दिया दो, ध्यान से समझ रहे आ रही ना, तेरह में एक जोड़ दिया चौदह, पंद्रह में एक जोड़ दिया सोलह, चौदह एक एक जोड़ रखा है मतलब यार, तो आर में जोड़ेंगे एस, ओ में जोड़ेंगे पी क्योंकि पंद्रह में सोलह होता है, यू में जोड़ेंगे वी, टी में यू, आई में जे, एन में ओ और ई में एफ, एस पी वी यू जे ओ एफ, एस पी वी यू, एस पी वी यू जे ओ एफ, थर्ड ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेथड प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर लग चुका है, फ्लावर्स को ई के एन वी डी क्यू आर लिख दिया जाए, ई के एन वी डी क्यू आर लिख दिया जाए, फ्लावर्स को ई डी के एन वी क्यू आर वी डी क्यू आर लिख दिया जाए, सुप्रीम कैसे लिखा जाएगा, सुप्रीम कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा मतलब कैसे, का इस कोड को जो हम फॉलो कर रहे हैं या सही फॉलो करेंगे। देखिए ये छह है, ये पांच है, ये बारह, ये पंद्रह, ये तेईस, पांच अठारह उन्नीस, ये है दोस्तों 11, 14, 22, 4, 17 और ये है 18, ऐसे इनको कोड लिखा गया है। अब हम करेंगे क्या, एक एक माइनस है, ये 6 है ना, ये 5 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 15 है, ये 14, ऐसे ऐसे सब में एक एक माइनस है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 19 सुप्रीम है, यू है 21, 16, 18, तो ये 18, 20, 15, 17, 4, 12 और फिर 4। अब 18 क्या है, सबसे पहले आर आर, ठीक है, तो फिर टी आर टी, फिर क्या है 15 ओ आर टी ओ, एक ही ऑप्शन में है, नहीं सॉरी दो में है, तो फिर क्या है आर टी ओ क्यू डी,
ये एल फिर डी, आर टी ओ क्यू डी एल डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ आ रहा है, चौथा आंसर आ रहा है। शेयर कर दो, क्या देख रहे हो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। कोडिंग रिकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक है, दो क्वेश्चन आएंगे एसएससी में। हरियाणा एसएससी ग्राउंड सी का पेपर हुआ था 10 जनवरी 2021 को, क्वेश्चन आए थे दो, 7 नंबर की रीजनिंग आई थी, दो क्वेश्चन आए थे, ध्यान से समझ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर, कि किसी कोड में बीट को BEAT को UBFC लिखा जाता है, तो उसी कोड में शोर को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड में शोर को क्या लिखा जाएगा, बीट को BEAT को UBFC लिखा जाता है, बीट को UBFC लिखा जाता है, तो शोर को क्या लिखा जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 2 है और ये 21 है, नया क्वेश्चन आया है, ये 5, ये 1, ये 20, ये 2, ये 6, ये 3। अब समझिए मेरी बात, यहां से देख, जब यहां से नहीं चले ना क्वेश्चन, पहले से पहले में नहीं चले, तब हम करेंगे यहां से इसको यहां चलाएंगे ऐसे, फिर इसको यहां चलाएंगे ऐसे, फिर यहां और ये यहां, 20 में एक जोड़ा, 5 में एक जोड़ा 6, 18 में एक जोड़ा 19, 15 में एक जोड़ा 16, और ये क्या 19 में एक जोड़ा 20, तो F, ठीक है, S, ये क्या है P और T, FSPT, FSPT आप सभी के सामने पहला ही ऑप्शन है बच्चों, पहले ही ऑप्शन के अंदर FSPT लिखा गया है। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इंग्लिश को FMH KJRI लिखा जाता है, FMHKJRI, इंग्लिश को FMHKJRI लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, हमें बताना है कि उसी कोड में अक्टूबर को कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में। ये 5, ये 6, ये 14 13 7 8 12 11, लॉजिक समझ आया होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ओ के बाद 15 है, 3 है, 20 है, फिर 15 है, 2 है, 5 है, ये कितना है 18, तो 16 2 21, फिर 14, पहले प्लस 1 माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अब फिर प्लस, 2 में एक जोड़ा 3, 14, 5 में एक घटाया 4, 18 में एक जोड़ा 19, ये आएगा P, 3 में से एक गया 2, B, U, N, 2 में एक जोड़ दिया 3, C, 5, D और S, PBUNCDS, कौन सा ऑप्शन है, PBUNCDS पहला ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मैं दोबारा समझाता हूँ, इंग्लिश को FMHKJRI लिखा जाता है, अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा, समझने योग्य बात यह है कि पहले में प्लस है फिर माइनस है, प्लस माइनस का खेल चल रहा है, हम भी ऐसे प्लस माइनस के खेलते हुए ऑप्शन सही भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, RUST, रस्ट, रस्ट को QBRU लिखा जाता है, रस्ट को लिखा जाता है, क्वेश्चन लगा स्क्रीन पर, रस्ट को QBRU लिखा जाता है, ये लिखा जाता है दोस्तों, तो यह है, बताइए लाइन को कैसे लिखा जाएगा, लाइन को कैसे लिखा जाएगा, हमें यह बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये 18 21, ये कितना है, एस 19 20, ये 17 22 18, फिर 21, यानी कि माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो माइनस अब प्लस फिर माइनस फिर प्लस,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। लेटर कोडिंग दो वीडियोस के अंदर होगा कंप्लीट, 12 में 11 और ये 9, 10, 14 फिर 13, अब 5 तो 6 11 के तो के होता है के। जो हरियाणा वाले बच्चे देख रहे हैं वो उनको मैं बता दूं कि हम जब स्कूल में जाते थे तो पूछते थे ना कि अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर के है, वो के है नहीं होता बेटा, क्या है होता है। तो के जे एम एफ, के जे एम एफ ऑप्शन नंबर एक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का लास्ट क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। यह बताना है कि 5 को जी एच डब्ल्यू डी लिख दिया जाए, हार्ट को क्या लिखा जाएगा। 5 को जी एच डब्ल्यू डी लिख दिया जाए, 5 को जी एच डब्ल्यू डी लिख दिया जाए, हार्ट को क्या लिखा जाएगा। आप सभी करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप सभी करेंगे अपने अपने साथ में। देखिए ये 6 है ये 7 है ये 9 है ये 8 है, तो ये प्लस है ये माइनस है, फिर ये 22 है ये 23 है, ये 5 है ये 4 है, प्लस माइनस। एच से पहले क्या आता है दोस्तों, जी सॉरी एच के बाद प्लस करना है, एच के बाद आई, फिर टी, फिर एस, फिर माइनस एस, आई टी एस एस, आई टी एस एस ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मेहनत कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, मैं नहीं पूरी टीम मेहनत कर रही है। जो बच्चे इसको मैथ वैज्ञानिक सर पे देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा बेटा, आपकी सफलता आपके लिए बहुत नजदीक है, मेहनत करते जाइए। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।